मूवी की शुरुआत में हम एक एक्ट्रेस को देखते हैं जिसका नाम मैडलिन एश्टन है। वो एक स्टेज पर परफॉर्म कर रही होती हैं, लेकिन हर कोई उसका शो बीच में ही छोड़कर जा रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बोरिंग था। लेकिन शो के खत्म होने के बाद एक ही व्यक्ति ऐसा होता है जो बहुत सारी तालियां बजाता है और उसे ये शो पसंद आता है। वह आदमी मैडलिन की दोस्त हेलेन का पति होता है जिसका नाम अर्नेस्ट मैनविल है। वो एक प्लास्टिक सर्जन है जो लोगों के चेहरे पे प्लास्टिक सर्जरी का काम करता है। शो के खत्म होने के बाद हम मैडलिन को देखते हैं जो अपनी बढ़ती उम्र से काफी परेशान होती है। तभी वहाँ पर हेलेन और उसका पति वहाँ पर आते हैं। उस समय हम देखते हैं कि मैडलिन और अर्नेस्ट एक दूसरे से काफी अट्रैक्ट होते हैं और इसी वजह से दूसरे ही दिन मैडलिन उसके हॉस्पिटल में फूलों का गुलदस्ता लिए पहुंच जाती है। और जब ये बात हेलेन तक पहुंचती है तो वो काफी गुस्सा हो जाती है और अर्नेस्ट को बताती है कि तुम मैडलिन से दूर ही रहना क्योंकि वो तुम्हें कभी भी मुझसे अलग कर सकती है। वो तुमसे प्यार नहीं करती बल्कि मुझसे छीनना चाहती है क्योंकि वो हर बार मेरी प्यारी चीज को अपना बनाना चाहती है। उस समय अर्नेस्ट उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरी मैडलिन के साथ मीटिंग सिर्फ काम के सिलसिले को लेकर थी। अब हम देखते हैं कि कुछ ही दिनों बाद मैडलिन और अर्नेस्ट की शादी हो जाती है। दरअसल अर्नेस्ट हेलेन को धोखा देता है और अब वो उस पर बहुत गुस्सा होती है। अब कहानी में 7 साल गुजर चुके हैं और हेलेन पूरी तरह से बदल चुके हैं, लेकिन वो आज भी हर वक्त मैडलिन के बारे में सोचती रहती हैं। और इस चीज से परेशान होकर वो एक साइकेट्रिक से मिलती है जो उसे बताती है कि तुम्हें मैडलिन को भूलना होगा, नहीं तो ये एक बड़ी बीमारी बन सकती है। लेकिन हेलेन उसे भूलने के बजाय उससे बदला लेने के बारे में सोचती हैं। और अब कहानी और 7 साल आगे आ जाती है जहां पर हम मैडलिन को देखते हैं जो कि एक बुढ़ी औरत बन चुकी हैं। एक दिन उसे एक इनविटेशन कार्ड मिलता है जो हेलेन का होता है। दरअसल हेलेन अब एक किताब लिखती है और उसी की पार्टी में उसे इन्वाइट करती है। अब हमें पता चलता है कि अर्नेस्ट और मैडलिन के रिश्ते में पहले वाली बात नहीं रही है। अर्नेस्ट एक शराबी बन चुका है जिसकी वजह से मैडलिन उससे काफी परेशान रहती है। पार्टी में जाने से पहले मैडलिन उसी स्पा में जाती है जहां पर वो हर बार अपना ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाती है, जहां पर उसे एक लड़की कहती है कि मैं आपका मेकअप कर दूंगी, मगर वो कहती है कि मुझे मेकअप नहीं करवाना है बल्कि मुझे नेचुरल ब्यूटी चाहिए। और उसके लिए वो एक खास ट्रीटमेंट लेती थी जो हर 3 महीनों में लगाया जाता है, जो कि मैडलिन ने 3 हफ्ते पहले ही लगाया था, इसलिए वो उसे ट्रीटमेंट देने से मना कर देते हैं। लेकिन वो कहती है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने ले लो, लेकिन मुझे सुंदर बना दो। और ये बात उस स्पा का ऑनर सुन लेता है और वो उसे एक कार्ड देता है और कहता है कि ये कुछ खास लोगों के लिए है, इसलिए तुम्हें जरूरत पड़े तो इसे जरूर याद करना। मगर मैडलिन उसी सीरियस न लेकर उसके 2 टुकड़े कर अपने पर्स में डाल देती हैं। उस नाइट अर्नेस्ट और मैडलिन हेलेन की पार्टी में जाते हैं, लेकिन जब वो हेलेन को देखती है तो पूरी तरह से शॉक्ड रह जाती हैं, क्योंकि अब वो पहले से भी ज्यादा सुंदर और जवान लग रही थी। मैडलिन उससे बिना मिले ही जाना चाहती थी ताकि वे उसका भद्दा चेहरा न देख सके, लेकिन हेलेन उसे देख लेती है और वो उसे रोकती है। तब वे उससे बताते हैं कि पुरानी बातों को भूल जाओ, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं तुमसे कोई नाराजगी नहीं रखती हूँ। और यही बात वो अर्नेस्ट को जाकर बोलती है, यानी आज भी वो मैडलिन को अपना दुश्मन मानती है। लेकिन जब अर्नेस्ट के सामने वो मैडलिन की बुराई कर रही थी तब वो चुपके से उसे सुन लेती है, जिससे उसे हेलेन पर बहुत गुस्सा आता है। लेकिन मन ही मन मैडलिन अपने बुढ़ापे से नफरत करने लगती है और वे बहुत दुखी हो जाती है। उसी वक्त उसे उस स्पा ऑनर के दिए हुए कार्ड के बारे में ख्याल आता है और वो बताए हुए एड्रेस पर जाती है, जहाँ पर उसे एक यंग लेडी मिलती है जो कहती है कि मेरी उम्र 70 साल है। लेकिन मैडलिन उसकी बात पे यकीन नहीं करती है क्योंकि उसकी खुद की उम्र 50 साल है और वो उससे भी ज्यादा बूढ़ी लग रही थी। लेकिन वे लेडी बताती है कि मैं तुम्हें एक ऐसी सीरम दूंगी जिससे तुम जवान हो जाओगी, और वो उसकी कीमत बताती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, इसलिए मैडलिन वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वो मैडलिन के हाथ में चाकू से एक घाव करती है और उसके अंदर उस सीरम की एक बूंद डालती है, जिससे हम देखते हैं कि वो घाव अचानक से ठीक हो जाता है और उसका एक हाथ बिल्कुल जवान हो जाता है। ये चमत्कार देख मैडलिन उसे रकम दे देती है और उस पूरी सीरम को पी जाती है, जिससे वह कुछ ही देर में फिर से जवान बन जाती है। बुढ़ापे में इस 16 की जवानी को देखकर मैडलिन बहुत खुश होती है। लेकिन वह लेडी बताती है कि तुम्हारा शरीर हमेशा ऐसा ही रहेगा, इसलिए तुम पर लोगों को शक न हो, इसके लिए तुम्हें एक नए नाम के साथ लगातार अपनी जगह बदलते रहनी होगी। अब दूसरी ओर हेलेन अर्नेस्ट के पास जाती है और उसे बताती है कि मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करती हूँ, मगर मुझे पाने के लिए तुम्हें पहले मैडलिन को मारना होगा, और वो उसे एक जहर की बोतल दे देती है। शाम को जब मैडलिन अपने घर आती है तो अर्नेस्ट उससे झगड़ने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि वो आज फिर से महंगा मेकअप करा के आई है, जिससे मेरे सारे पैसे फालतू में उड़ा रही है। और उसी वक्त झगड़े में मैडलिन सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और उसकी गर्दन मुड़ जाती है,
जब अर्नेस्ट देखता है कि वो मर चुकी है तो वो हेलेन को कॉल करके उसे बता देता है, लेकिन वो उस पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि अर्नेस्ट ये सब बिना प्लान के ही कर देता है। अब हम देखते हैं कि मैडलिन खड़ी हो जाती है। जब अर्नेस्ट उसे देखता है तो वो काफी डर जाता है क्योंकि उसकी गर्दन अभी भी मुड़ी हुई थी और वो ठीक ठाक चल रही है। अब जब मैडलिन को पता चलता है कि उसकी गर्दन सही नहीं है तो उसे खींचकर सीधा कर लेती है। दूसरे दिन चेकअप के लिए अर्नेस्ट उसे एक डॉक्टर के पास ले जाता है, तब वो बताता है कि उसकी बॉडी में कई सारी हड्डियां फ्रैक्चर है और टेम्परेचर लो होने के साथ साथ दिल की धड़कन भी थमी हुई है, और ये सब तभी होता है जब कोई इंसान मारा जाता है। ये सब चमत्कार देख वह डॉक्टर बहुत डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है, और उसके बाद अर्नेस्ट भी वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर मैडलिन बेहोश हो जाती है, लेकिन जब अर्नेस्ट कुछ देर बाद वापस आता है तो वह देखता है कि मैडलिन वहाँ पर नहीं है। जब वे एक डॉक्टर से पूछता है तो वे बताते हैं कि वो मर चुके हैं। अर्नेस्ट उसे ढूंढते हुए मुर्दा घर में जाता है जहाँ पर उसे उसकी बॉडी मिलती है जो अब होश में आ जाती है। वह उसे घर ले जाकर उसकी टूटी बॉडी का मेकअप कर देता है। दरअसल वो अपनी जॉब में यही काम करता है ताकि मरे हुए लोगों की बॉडी उनके घर वालों को अच्छी कंडीशन में पेश की जा सके। जब एक कलर स्प्रे लेने के लिए अर्नेस्ट नीचे जाता है तो वहाँ पर हेलेन आ जाती है जो जोर जोर से मैडलिन की मरी हुई बॉडी को ठिकाने लगाने के बारे में कहती है। ये सब मैडलिन सुन लेती है और वह हेलेन के सामने आ जाती है। ये सब देखकर हेलेन चौंक जाती है, लेकिन अगले ही पल मैडलिन एक गन से हेलेन को शूट कर देती है और वह उछलकर बाथ टब में जा गिरती है। अब मैडलिन अर्नेस्ट को उसकी डेड बॉडी उठाने को कहती है ताकि उसे कहीं फेंका जा सके, लेकिन तभी हम देखते हैं कि हेलेन भी खड़ी हो जाती है और उसके पेट में एक बहुत बड़ा छेद होता है। ये देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं और अंदर भाग जाते हैं। हेलेन भी वहाँ पर आ जाती है। तब उन दोनों को पता चल जाता है कि उन दोनों ने जादुई सीरम को पिया है जिसकी वजह से उनकी बॉडी ऐसी हो चुकी है और वो दोनों आपस में लड़ने लगती है, लेकिन कुछ ही देर बाद थककर वो दोनों फिर से दोस्ती कर लेती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि अर्नेस्ट इस घर को छोड़ने की तैयारी कर रहा है और तभी वो दोनों आकर उसे रोक लेती हैं और मैडलिन कहती है कि तुम्हें हेलेन की बॉडी को रिपेयर करना होगा। अर्नेस्ट उसकी बात को एक शर्त पर मान जाता है और ये शर्त होती है कि वो हेलेन को रिपेयर करके हमेशा के लिए तुम दोनों को छोड़कर चला जाएगा, तुम कभी भी मेरा पीछा नहीं करोगे, और उनकी बात डन हो जाती है। मगर हेलेन की बॉडी रिपेयर करने के बाद वो दोनों सोचते हैं कि अगर हमने अर्नेस्ट को जाने दिया तो उसके बाद उनकी बॉडी रिपेयर कौन करेगा, इसलिए वो उससे भी सीरम पिलाने के बारे में सोचती हैं ताकि वो हमेशा उन दोनों के साथ रहे। और जब अर्नेस्ट निकलने वाला होता है तो वो अर्नेस्ट के लिए एक नशीली ड्रिंक लाती है ताकि वो उसे बेहोश करके सीरम पिला सके, लेकिन अर्नेस्ट उस ड्रिंक को गलती से गिरा देता है और वहाँ से निकल जाता है। लेकिन उस वक्त पीछे से हेलेन उस पर वार करती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह अपने आप को लिस्ले के पास पाता है जो उसे भी अपने हैंड पर सीरम का टेस्ट दिखाती है, जिसे देखकर अर्नेस्ट उसे पीने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि अमर होना एक अभिशाप है और मुझे अपने पास के लोगों को मरते हुए देखना होगा, जिसकी वजह से वह सीरम नहीं पीता है और वहाँ से भाग जाता है। वो एक पार्टी में पहुँच जाता है जिसका पीछा करते हुए मैडलिन और हेलेन भी वहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन बिल्डिंग के सारे डोर बंद होने की वजह से अर्नेस्ट को छत से जाना पड़ता है। उसी दौरान उसका पैर फिसलने से वो नीचे गिरते हुए एक लोहे की रोड पर टंग जाता है। तब हेलेन और मैडलिन उसे सीरम पीने के लिए कहती है ताकि वो बच सके, और अर्नेस्ट भी उसे पीने लगता है, लेकिन तभी उसे फिर से याद आता है कि ये दवाई एक अभिशाप है और वह उसे नीचे गिरा देता है और खुद भी वहाँ पर गिर जाता है, लेकिन नीचे एक स्विमिंग पूल था जिसकी वजह से वो बच जाता है। वह दोनों नीचे पहुँचते ही उससे पहले अर्नेस्ट वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने से वह दोनों काफी परेशान होते हैं क्योंकि अब उनकी बॉडी खराब होने लगी है और वह दोनों एक दूसरे की बॉडी रिपेयर करने का फैसला करती है। अब कहानी में 37 साल बीत चुके हैं और एक दिन चर्च में अर्नेस्ट का फ्यूनरल चल रहा होता है। वहाँ पर वो दोनों भी आई हुई हैं जिन्होंने अपने चेहरे ढके हुए हैं क्योंकि अब उनका चेहरा बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है। और अब जब वे चर्च से बाहर निकलती हैं तो एक स्प्रे पेंट की बोतल को लेकर उनका झगड़ा हो जाता है। उसी दौरान हेलेन सीढ़ियों से नीचे गिरने लगती हैं और उस वक्त वो मैडलिन को भी साथ में खींच लेती हैं, जिससे नीचे जाने पर उन दोनों की बॉडी के कहीं टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन उनकी बॉडी अब भी जीवित है। और अब हेलेन मैडलिन से कहती है कि तुमने गाड़ी कहां पर पार्क की है। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये हिंदी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।